हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। आज आप लोगों को रेजिन का बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। मेरा सामान कुछ ऑर्डर किया था, ये ऑनलाइन नहीं है लेकिन कलकत्ता में एक शॉप से ऑर्डर किया था विद बिल। ये मेरा सामान यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका पूरा डिटेल आप लोगों को बताता हूँ, इसका प्राइस भी आज पूरा बताता हूँ। जो सामान लेके आप लोग पूरा रेजिन कास्टिंग, ठीक है ना, ये पूरा आप कर सकते हैं। इसमें पूरा सामान है, ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब ये 35 किलो का आसपास ये रेजिन है। मैट भी आपका ज़्यादा क्वांटिटी है लेकिन इसमें बहुत सारा काम हो जाएगा। शायद रेजिन ख़त्म हो जाएगा, मैट आपका रह जाएगा, ब्रूस भी एक्स्ट्रा है, वैक्स बॉल जो पॉलिश जो है ये भी एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको एक मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांसपोर्टेशन इसमें चार्ज बेस और डिलीवरी भी नहीं होगा। कोई कोई ऑर्डर करेंगे तो उसमें इतना छोटा क्वांटिटी सामान नहीं आएगा, तो ये मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। तो एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसा ये मेरा नाम पे आया तो ये रेजिन है, ये 35 किलो का एक डिब्बा है, तो इसमें 35 किलो, अभी मिनिमम है ये 25 किलो का डिब्बा भी आता है, ठीक है, 25 किलो का डिब्बा भी आता है, तो मैंने ये 35 किलो मंगाया, ठीक है। अभी ये है मैट, ठीक है, इसको कहते हैं मैट। ये आपका जैसा लोहे में आपको रॉड डालना पड़ता है उसी टाइप का ये होता है मैट, ये स्ट्रेंथ पकड़ता है, ठीक है ना। आप रेजिन में डायरेक्ट कुछ काम करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगा, टूटने का डर रहता है, लेकिन ये टूटेगा, मतलब क्रैक भी होगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, मतलब दो पीस में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये रॉड टाइप का काम करेगा, आर्मेचर हिसाब से काम करता है, ये होता है मैट, ठीक है। उसके बाद आपको कैटलिस्ट और एक्सेलेटर, ठीक है ना, ये देखिए हम लोग इसको कोबाल्ट भी बोलते हैं, कोबाल्ट, ये हार्डनर, ठीक है ना। तो ये देखिए ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का आपको देख के पता लगता है, ब्लू कलर का होता है और ये होता है हार्डनर, ठीक है। तो ये दोनों कलर देख के पता लगेगा, ठीक है ना। अभी जी ये कोबाल्ट है, ब्लू है, एक्सेलेटर है, तो ये कोई भी कुछ भी बल्ब बोल सकते हैं, तो नाम के बारे में थोड़ा मेरा भी कन्फ्यूजन है। जो भी है, ये ब्लू कलर का जो है ये आपको रेजिन का साथ मिलाना होता है, पहले आप इसमें मिला सकते, आप सोचिए 1 लीटर में 50 ml तक मिला सकते, ठीक है। तो ये क्वांटिटी डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, इसका थिकनेस के ऊपर, ठीक है। अभी जो हार्डनर है, ये जो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ये आपने जब टाइट करने का टाइम, मतलब एकदम फाइनल आपका लिक्विड मिल गया, सब कुछ हो गया, अभी यूज़ करना है, तो उस टाइम आपको हार्डनर मिलाना है। ये हार्डनर भी 1 लीटर में आप 10 ml बन सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर, आपका कितना टाइट, जल्दी टाइट करना चाहिए, तो वेदर के ऊपर, आप धूप में काम करेंगे ना विंटर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका ब्रास, ठीक है ना, ये ब्रास आप देखिए यूज एंड थ्रो का हिसाब से, मतलब ये बहुत सस्ता भी है और ये उसी दुकान पे मिल जाएगा, आप यूज़ कीजिए और इसको फेंक दीजिए, मतलब जैसा मार्केट में बहुत 20 रुपया मिनिमम मिलता है, तो इससे वो बहुत महंगा लगता है ये इस काम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो है, जो सेपरेटर आप लोग बार बार पूछते, ये देखिए वैक्स पॉल, वैक्स पॉल सुपर क्वालिटी पॉलिश, ये थोड़ा महंगा है और इससे थोड़ा सस्ता भी मिलता है, ये देखिए ये भी वैक्स पॉल, ठीक है। ये दूसरा है, देखिए फ्लोर पॉलिश बोल के लिखा है, तो ये हम लोग आर्टिस्ट लोग इसको सेपरेटर का हिसाब से यूज कर लेते हैं, मतलब जो मोल्ड है, मोल्ड में हम लोग लगाते, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पॉलिश लगा देते, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड में, और
रेजिन कास्टिंग जब करेंगे तो दोनों में ये सेपरेटेड का काम करता है, नहीं तो ये मोल्ड का साथ चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक जो मटेरियल है, ठीक है। अभी इसका प्राइस भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए रेजिन, जो ये रेजिन है, ठीक है ना, ये 105 रुपया किलो है, ठीक है। ये हो गया मैट, ठीक है ना, ये मैट जो है, मैट आपका 150 रुपया किलो है। ये आपका थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 150 रुपया किलो है। अभी कैटलिस्ट जो है ये आपका मिल रहा है 280 रुपया, और एक्सेलेटर भी 280 रुपया, मतलब दोनों आपका 280 रुपया किलो का हिसाब से मिल रहा है, ठीक है ना। अभी ये हो गया, अभी इसका जो प्राइस है ये टोटल करके लिखा मैं बताता हूँ, ये आपका 485, 485, ये 500 ग्राम का है, और आपका ये वाला जो है ये 240 रुपया है, ये भी आपका कितना क्वांटिटी देखता हूँ कहाँ पे है, ठीक है, ये भी 500 ग्राम का है, तो ये थोड़ा सस्ता है, मतलब दोनों में यूज़ तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, जब आप कास्टिंग करने का बाद सेपरेट करेंगे तो उस टाइम आपको पता लगेगा, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल ही यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया आपका, अभी 18% जो आपका GST लगेगा वो ऐड करने का बाद आपका टोटल क्वांटिटी आएगा, ठीक है ना। और लोकल मार्केट से खरीदेंगे, बिल का ज़रूरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसी प्राइस में हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा, लेकिन विथ ट्रांसपोर्ट आपको लेना है तो उसमें तो ये GST देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टोटल। अभी इसका कास्टिंग, इसका प्रोसेस पिछले मेरा एक वीडियो में मैंने डाला, लेकिन कोई कोई पूछता है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा नेक्स्ट एक कास्टिंग होगा, ये मोल्ड अभी रखा हुआ है, इसको जब कास्टिंग करेंगे उस टाइम आप लोगों को पूरा डिटेल दिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है, थैंक यू।